ले चलेंगे आपको उड़ीसा के कटक क्षेत्र की तरफ, जहां कटक के कंटापड़ा ब्लॉक के पाट सुंदरपुर गांव में मोबाइल टावर के ऊपर चढ़े 4 साल के बच्चे को टावर के ऊपर से नीचे लाकर उसकी जान को बचाया गया है। आपको बता दें कि मोबाइल टावर के ऊपर चढ़कर 4 साल के बच्चे को टावर के नीचे तुरंत लाया गया, जिसकी वजह से उसकी जान बची है। अग्निशमक दल के सदस्यों ने तकरीबन 1 घंटे जोरदार कोशिश करी, जिसके बाद उसे टावर से नीचे उतारा गया। R9 भारत के लिए संवाददात्री मीरा दत्त की रिपोर्ट, कटक, उड़ीसा। जैसा कि पूरे देश में कोरोना का टीकाकरण या वैक्सीनेशन चलता हुआ नजर आ रहा है, इसी बीच यदि हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कोरोना टीकाकरण के द्वितीय दौर शुरू हो चुका है, जिसमें पहला टीका राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को कोवैक्सीन टीका लगा दिया गया था। साथ ही साथ राज्य के विधानसभा एवं लोकसभा के लिए चुने गए लोक प्रतिनिधि विधायकों को भी यह टीका दिया गया है। विधानसभा के कर्मचारी तथा कोरोना योद्धा मान अन्य कर्मियों को भी इस टीकाकरण में सम्मिलित किया गया है। ढेंकनाल के सांसद महेश साहू एवं उनके संसदीय सचिव पंडित मातू प्रसाद मिश्र जिला मुख्य चिकित्सालय में कोरोना टीका लेने पहुंचे थे, जहां पर सांसद हमारे संवाददाता प्रतिनिधि से बात करते समय कोवैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर को कृतज्ञता से ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा किए गए इस टीकाकरण में सभी को शामिल एवं सहयोग करने का अनुरोध भी किया गया है। R9 भारत के लिए स्टेट हेड प्रताप भारती के साथ अंगुल से सौर्य रंजन पंडा की रिपोर्ट, भुवनेश्वर, उड़ीसा। इस वक्त की बड़ी खबर उड़ीसा के कटक से, जहां एडवोकेट के चैंबर में अचानक आग लग गई। जी हां, हम आपको बता रहे हैं, तुलसीपुर के हाई स्कूल के सामने कान्हू चंद साहू नामक एक एडवोकेट के चैंबर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि काफी कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन दल ने आकर आग पर काबू पाया। आग को जैसे तैसे बुझाया गया और बताया गया है कि जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। R9 भारत के लिए मीरा दत्त की रिपोर्ट, कटक, उड़ीसा।